श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया छोटा सा उपाय है जो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। साल में दो या तीन सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है। ये साल की अंतिम अष्टमी है, इसलिए यह मौका अपने हाथ से जाने ना दें। यदि आपके जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, आपका कोई कार्य है वह हो नहीं रहा है, तो आप सोमवार की अष्टमी पर यह छोटा सा उपाय करना बिल्कुल न भूलें। इस उपाय के लिए आपको तीन चीज़ें लेनी है। पहली मूंग, दूसरा चावल, तीसरा बेलपत्र। मूंग आपको 31 की संख्या में लेनी है, यानी कहने का मतलब ये है 31 दाने हरी मूंग के लेनी है, कहीं से कटे फिटे नहीं होने चाहिए, यानी कि आपको खंडित वस्तुएं नहीं लेनी है। चावल हैं वह भी आपको खंडित नहीं लेने हैं, ये भी आपको 31 की संख्या में लेने हैं। बेलपत्र भी आपको खंडित नहीं लेनी है, एकदम साफ स्वच्छ और अच्छी सी बेलपत्र होनी चाहिए, ये भी 31 की संख्या में बेलपत्र के पत्ते लें। इसके बाद जो चावल हैं उनको आप सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाएं और जो चावल आप 31 की संख्या में लेकर गए हैं उनको भगवान शिव जी की चौखट के पास में रख दें। और जो मूंग के दाने आप लेकर गए हैं उन मूंग के दानों को आप नंदी के पैर जो कि ऊपर को उठा हुआ होता है उसके पास में रख दें। और जो 31 बेलपत्र आप लेकर गए हैं उनको आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक एक बेलपत्र पर चंदन लगाते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए रख दें और बाबा से कामना करें कि हे बाबा हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। आने वाली अगली सोमवार की अष्टमी तिथि तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत सारे लोगों का आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय से निश्चित ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ ये उपाय आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।